दिन जब हम अपने ही बीच के क्रांतिकारी शहीद कोतवाल धन सिंह जी गुजर जी को याद कर रहे हैं, वहीं हम समाजवादी पार्टी के लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद कर रहे हैं। अगर आज आजाद हुआ है हमारा भारत, तो वही 1857 की जो लड़ाई हुई, पहली लड़ाई जो भारत के लोगों ने लड़ करके इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, और उस समय से लेकर के जब तक हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, न जाने कितने लोगों को शहीद होना पड़ा था, न जाने कितने लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। हमारे तमाम नेता जो उस समय आजादी की लड़ाई में थे, महीनों सालों जेल में रहना पड़ा और इतनी यातनाएं दी गई, इतना सताया गया, जिसके बारे में अगर हम और आप सोचें तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आजादी की लड़ाई में इतना कुछ खोया है। जहां 1857 जो भारत की पहली लड़ाई थी, और कोतवाल धन सिंह गुर्जर को कैसे कोई भूल सकता है। आपके बीच के, आपके समाज के कोतवाल धन सिंह गुर्जर को कोई नहीं भूल सकता। मुझे खुशी है इस बात की कि आज हम सब मिलकर के, जहां कोतवाल उन्हें याद कर रहे हैं हम, वहीं और क्रांतिकारियों को भी याद कर रहे हैं। अगर क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की बाजी नहीं लगाई होती, फांसी के फंदों पर न झूले होते, तो हमारा देश आजाद नहीं हो पाता। इसलिए जहां हमारे बुजुर्ग लोग याद कर रहे हैं, हम पार्टी के आप लोग याद कर रहे हैं, वहीं मुझे खुशी है इस बात की बड़ी संख्या में नौजवान जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो भी इन वीरों को याद कर रहे हैं। और 23 मार्च इतना ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक मैं इसलिए कहता हूं कि मंच में तीन तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, जहां मंच पर तीन तस्वीरें लगी हैं, ये तो हैं ही तीनों, लेकिन लाखों लाख लोगों ने जीवन दिया है। अगर हम याद करें कि किस तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ी गई, तो 1857 मेरठ, जहां से लड़ाई शुरू हुई, और उस लड़ाई में अगर हमारी कामयाबी मिल जाती तो शायद हमें बहुत सारे अपने लोगों को खोना नहीं पड़ता। हमें अपने नेताओं को इतना, चाहे वो भगत सिंह हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर कोतवाल धन सिंह गुर्जर उनकी आजादी की लड़ाई उसी समय कामयाब हो जाती, तो शायद हमें नौजवान भगत सिंह को खोना नहीं पड़ता। आज जब हम कोतवाल धन सिंह गुर्जर को याद कर रहे हैं, वहीं राम मनोहर लोहिया जी को याद कर रहे हैं, भगत सिंह को याद कर रहे हैं, और न जाने कितने क्रांतिकारी हैं जिनकी कुर्बानी की वजह से हमें आजादी मिली है। और ये मौका इतना अच्छा है कि हमें जहां अपनी आजादी की लोगों का सम्मान करना है, वहीं हमें ये भी याद रखना है कि जो हालात पैदा हो गए हैं, अगर यही हालात बने रहे हमारे देश और समाज के सामने, तो शायद हमारा देश एक बार फिर गुलामी की तरफ चला जाएगा। जिन्होंने इतिहास के पन्ने पलटे होंगे, इतिहास को जो समझते होंगे, जाना होगा, वो जानते होंगे कि भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, भारत में व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इस देश को गुलाम बना दिया। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जो एक कंपनी थी वो सरकार बन गई,
केवल एक कानून पास हुआ था, एक कानून पास हुआ ब्रिटेन में, एक कानून पास हो गया उसी समय। एक कारोबार करने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई, और ऐसी सरकार बनी जिसने हमारे देश को गुलाम बना दिया, हमारा हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जितना नुकसान अंग्रेजों ने किया शायद उतना कभी हमारे भारत का नुकसान नहीं हुआ होगा। आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, हमारी जो चीजें थी कारोबार कर करके यहां से लेके चले गए, समाज को तोड़ दिया, समाज को तोड़ने का काम किया, और राजनीतिक ऐसा हस्तक्षेप छोड़ गए हैं कि अगर हमारा देश उस समय गुलाम था, ऐसी संस्थाएं बना दी कि अगर हम लोग बाहर भी निकलना चाहते तो बाहर राजनीतिक रूप से नहीं निकल सकते। आज के जो हालात हैं हमें याद करना चाहिए कि जो भी शहीद हुए वो सब किसान और गरीब के बेटे थे। बताओ कोतवाल धान सिंह किसान के बेटे थे कि नहीं थे? ये जो मंच पे हमारे आपके और नौजवानों के दीवाने, नौजवान दीवाने हैं जिनके, बताओ सरदार भगत सिंह किसान के बेटे थे कि नहीं थे? और आज भी हमारे देश की सेवा करने में किसान लगा हुआ है, आज भी देश की अर्थव्यवस्था को कोई बचा रहा है तो हमारा किसान बचा रहा है, हमारी अगर सीमाओं की कोई रक्षा कर रहा है तो उसी किसान के बेटे, वही नौजवान जो जवान आज सीमा पर खड़े हैं वही हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और देश की हालात कैसे हो गए, आप में से न जाने कितने लोग हैं जो अभी आंदोलन में शामिल हुए, दिल्ली के आंदोलन में आप लोगों ने समर्थन किया, यही खड़े हमारे नेता यहां मंच पर बैठे हैं, ये भी समर्थन कर रहे हैं किसानों के आंदोलन का। आप में से भी लोग हैं जो किसान का आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो कानून बन गए हैं अगर इन कानूनों से नहीं लड़ा गया, एक बार तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें गुलाम बना दिया था, वो कब सरकार बन गई पता ही नहीं लगा। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ऐसे कानूनों को ला रही है कि अगर वो कानून लागू हो गए तो जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया था, ये तीनों कानून जब लागू हो जाएंगे तो हो सकता है हमारा किसान भी बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम हो जाए, हमारे किसानों की खेती छिन जाए। इसे जरूरी इस बात की है कि जो लड़ाई उस समय लड़ी गई थी, अगर किसान एकजुट हो जाएगा, नौजवान एकजुट हो जाएगा, तो इन तीनों कानूनों के खिलाफ भी लड़ाई जीती जा सकती है, क्योंकि ये कानून ऐसे हैं जो आपकी खेती छीन लेंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। हम जानना चाहते हैं अगर ये कानून अच्छे थे तो हमारे किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं, अगर ये कानून में अच्छाई थी तो अभी भी तीनों सीमाओं पर किसान बैठे हुए हैं। हमें खुशी है इस बात की कि पंजाब और हरियाणा के किसानों ने न केवल पंजाब हरियाणा के किसानों को जगाया, बल्कि वहां के किसानों ने पूरे देश के किसानों को जगाने का काम किया है। मैं बधाई देता हूं किसानों के आंदोलन चलाने वालों को कि उनके आंदोलन की वजह से किसान जाग गया है, और किसान जानता है कि जब तक उसका हक नहीं मिलेगा तब तक किसान उस आंदोलन से पीछे हटने वाला नहीं है। मुझे खुशी इस बात की कि आज जब हम शहीदों को याद कर रहे हैं, जब आंदोलन में जरूरत पड़ी थी कि यहां के लोग पहुंचे तो यहीं के नौजवान भी वहां पर जाकर के समर्थन किए थे, यही अतुल प्रधान ने भी समर्थन किया था, यहां के नौजवानों ने भी समर्थन किया था, और उसका परिणाम यह है जब समर्थन सब तरीके से, सब तरफ से आने लगा, सभी राजनीतिक दल समर्थन करने लगे, सभी ने समर्थन किया उन किसान आंदोलन चलाने वालों का, किसानों का, और उसका परिणाम हुआ कि सरकार को पीछे हटना पड़ा, सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि ये कानून अच्छे नहीं हैं, और एक साल से ज्यादा पीछे कर दिए कानून। और हम तो कहते हैं
कि आने वाले समय में बंगाल से चुनाव हार गई भारतीय जनता पार्टी, और अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया तो ये तीनों कानूनों का पता नहीं लगेगा, भारतीय जनता कभी ये तीन कानून लागू नहीं कर पाएगी। इसलिए इन तीनों कानून से हम और आप जुड़े हैं। किसान केवल पेट नहीं भरता, हमें कपड़े भी पहनाता है। हमारा किसान जहां पेट भरता है सबका, वहीं जो आज हम कपड़े पहने घूम रहे हैं, जो कपड़े पहनते हैं वो भी किसान की देन है। तो सोचो, हमारा जो इतना बड़ा लोकतंत्र, जो गांव का लोकतंत्र है, जहां आबादी के सबसे ज्यादा लोग गांव में रहते हैं, उनके साथ कितना भेदभाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमारे किसान जो हमारा पेट भर रहे, जो हमें कपड़े पहना रहे, उनके साथ कैसा सरकार बिहाव कर रही है। उन्हें कह रही है आतंकवादी हैं, उन्हें कहती है ये पाकिस्तान और चीन के समर्थक लोग हैं, कहते हैं कि ये किसान आंदोलन जो चला रहे हैं वो एंटी सोशल हैं, एंटी नेशनल हैं। मैं इतने लोगों के सामने कहना चाहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से पत्रकार साथियों के सामने, कि जो लोग इस आंदोलन को, किसानों के आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, जो किसानों पर आरोप लगा रहे हैं, जो किसानों को कह रहे हैं कि ये दलाल हैं, आतंकवादी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो किसानों का आंदोलन खत्म करना चाहते हैं वो सबसे एंटी सोशल, एंटी नेशनल लोग हैं, जो हमारे किसानों का आंदोलन खत्म करना चाहते हैं। बताओ किसान भाइयों, आपका भी धान था खेतों में, धान का MSP कहां मिल गया आपको? हमारे किसानों को धान का MSP नहीं मिल पाया। 1800 रुपए जो सरकार ने तय किए वो किसी किसान को नहीं मिले। बताओ किसी किसान को मिले हो तो बता दो हमें। और वही नहीं, गन्ने का भुगतान देने की बात कही सरकार ने, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे, एक हफ्ता दो हफ्ता तब होंगे जब हमारे किसानों का गन्ने का भुगतान हो जाएगा। आज भी वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है, अभी भी गन्ने का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। बताओ किसान भाइयों, कहां भुगतान हो गया आपका? अगर भुगतान हुआ हो तो बताओ। और 4 साल से सरकार बनी चल रही है, जश्न मना रही है सरकार, जश्न मनाने का काम कर रही सरकार। बताओ आपके गन्ने की कहीं कीमत बढ़ाई हो तो बता दो आप। जो कीमत सरकार समाजवादी लोगों ने बढ़ाई, उतनी कीमत अभी तक ये नहीं बढ़ा पाए हैं। हमारे किसानों के सामने महंगाई कर दी, ये डीजल, ये पेट्रोल, बताओ कितना महंगा हो गया डीजल और पेट्रोल, लगातार महंगा होता चला जा रहा है। ऐसा तालमेल व्यापार का और राजनीति का कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसा तालमेल व्यापारियों का और राजनीति करने वाले जो राजनेता सत्ता में हैं, उनका इतना तालमेल कभी नहीं देखा होगा कि अगर मुनाफा हो रहा है तो उद्योगपतियों का हो रहा है, बड़े लोगों का हो रहा है, अभी मुनाफा हमारे गरीब किसान का नहीं हो पा रहा। ऐसा तालमेल पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में किसी ने नहीं देखा होगा। हम तो जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये जो मुनाफा कमा रहे हो डीजल पेट्रोल से, आखिरकार इसका पैसे का मुनाफा जा कहां रहा है? ये जो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसका मुनाफा आखिरकार किसके पास जा रहा है? जिस देश की बैंकें डूबने लगे, जिस देश का किसान रोने लगे, और जिस देश का किसान नौजवान के हाथ में काम, नौकरी, रोजगार ना हो। सोचो कभी किन बातों को लेकर के आजाद हुआ है देश। हमारे शहीदों ने जान दे दी, फांसी के फंदे पर लटक गए, लाखों लाखों लोगों की जान चली गई, गांव उजाड़ दिए गए, जो आए तोप के गोले से उड़ा दिए गए। बताओ इसलिए तो नहीं कि हमारा देश पीछे चला जाएगा? किसान का हालात क्या है? और जिस देश के किसान पिछड़ जाएं,
खेती बर्बाद होने लगे, जिस देश की बैंक डूबने लगे और जिस देश के नौजवानों के हाथ में नौकरी ना हो, तो बताओ वो देश आगे कैसे जाएगा। यही लोग जो सपना दिखा रहे हैं विश्व गुरु का, ये विश्व गुरु का सपना देखने वाले लोग, बताओ विश्व गुरु कैसे बनेगा। हमारे नौजवानों के हाथ में नौकरी नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, तो विश्व गुरु कैसे बन जाएगा, कैसे विश्व गुरु बनेगा। और इतने झूठे वादे किसी सरकार ने नहीं किए होंगे जितने वादे झूठे सरकार ने किए हैं। आज तक जितने फैसले सरकार ने लिए हैं, सब फैसले गलत हैं। याद करो, हमने आपने न जाने कितनों ने भरोसा कर लिया कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। भरोसा कर लिया देश की जनता ने, और नोटबंदी के होने के बाद कितना समय गुजर गया बताओ। नोटबंदी से कहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कहां काला धन आ गया। और जिस तरीके से जीएसटी लागू की गई, जिस तरीके से जीएसटी लागू की गई, हमारा व्यापार बर्बाद हो गया, व्यापारी रो रहे हैं, कारोबार ठप हो गया। और अब वैश्विक महामारी आ गई है। ये वैश्विक महामारी न जाने कैसी आई। मैं यहां आया हूं, उससे पहले पता लगा बहुत सारी जगह पर लॉकडाउन हो गया है, कई जगह पाबंदियां लगना शुरू हो गई हैं। कभी कभी हम सोचते हैं राजनीति में ये वैश्विक महामारी केवल विपक्ष के लिए है, क्योंकि बंगाल में चुनाव चल रहा, सभाएं हो रही हैं, कोई असर नहीं पड़ रहा वहां पर। लेकिन ऐसी वैश्विक महामारी आई कि सरकार ने कहा कि हम और आप लोग अपने नाक और मुंह बंद कर लें। हमने सरकार का कहना मान लिया, हमने नाक और मुंह बंद कर लिया। हम लोग कितनी कठिनाइयों में रहे, परेशानियों में रहे, बाहर निकले तो पुलिस ने लाठी मार के अंदर कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, अपमानित होना पड़ा, लोगों को जेल जाना पड़ गया। हम लोगों ने सबने सरकार का कहना माना कि अगर वैश्विक महामारी में बचना है तो अपने नाक और मुंह बंद कर लो। हम लोगों ने नाक और मुंह बंद कर लिए। लेकिन इसी दौरान ऐसे तीन कानून पास कर दिए, और पता नहीं क्या कारण है कि जनता की तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई दे रही, न सुनाई दे रही है। अगर हमने नाक और मुंह बंद कर लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने कान और आंख बंद कर लिए, उन्हें तकलीफ नहीं दिखाई दे रही किसी की। इसलिए ये इसी तरह के कार्यक्रम कहीं ना कहीं सरकार के आंख और कान खोलने का भी काम करेंगे। ये बहुत ऐतिहासिक दिन मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बहुत ऐतिहासिक दिन इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि तीन तीन महापुरुष लोग हैं, तीनों को हम लोग याद कर रहे हैं। अगर हम कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी को याद कर रहे हैं तो वो 1857 की लड़ाई में सबसे आगे कूद गए थे, उन्होंने लड़ाई को धार दी। कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने न जाने कितनों को साथ लेकर के जो उस समय क्रांति चला रहे थे, उनका मनोबल जोश बढ़ाने का काम किया था, और उसी की वजह से उन्हें फांसी के फंदे पर झूलना पड़ गया था। दूसरे हमारे सरदार भगत सिंह हैं, जिन्होंने न केवल देश को आजादी दिलाने के लिए अपने जान निछावर कर दी, नई तरह की क्रांति पैदा कर दी। और सरदार भगत सिंह जैसी क्रांति पैदा करने वालों की वजह से न केवल नौजवान बल्कि पूरा देश जाग गया था। कहां उन्होंने, कहां उनके साथियों ने मिलकर के बदला लिया था, और बाद में जाकर के जेल जाना पड़ गया, जेल में रहे, जेल के अन्याय उत्पीड़न से लड़े। और अगर इन्हें भूख हड़ताल भी करनी पड़ी तो शायद वो पहले क्रांतिकारी होंगे सरदार भगत सिंह, जिन्होंने जेल में जाकर के भूख हड़ताल की और अंग्रेजी हुकूमत को झुकाने का काम किया। उन्होंने परवाह नहीं की, सरदार भगत सिंह ने परवाह नहीं की कि उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। अपील कर सकते थे लेकिन वो अपील नहीं की उन्होंने,
अपील इसीलिए नहीं की, उन्होंने कहा कि अगर क्रांतिकारी अपील कर लेगा तो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे भारत के इतने लोग हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई कहीं कमजोर ना हो जाए। उनके वकील ने जब देखा कि जिस दिन फांसी के फंदे में चढ़ने जा रहे थे उसकी रात जब वो गए उसके अंदर और देखा जब सरदार भगत सिंह को लौट करके आए, उन्होंने कहा कि जेल चाहे छोटी हो लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि अपने छोटे से पिंजरे में शेर रात भर घूमता रहा है, वो घबराया नहीं। ऐसे सरदार भगत सिंह। और वही हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने आजादी से लेकर के आजादी के बाद जो हमारे देश की दिशा हो, हमारे देश की रास्ता क्या हो, वो कांग्रेस से के खिलाफ जो गलत रास्ते पे चली गई थी उस पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक देश को समाजवादी भारत कैसे बने। अगर हमारे क्रांतिकारी जनक और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी आजादी के 1857 की क्रांति के पहले लड़ाई के अगर आंदोलन शहीद थे, आंदोलनकारी अगर माना जाए, तो वहीं सरदार भगत सिंह भी सोशलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले पहले हमारे शहीद थे। और तीसरे जो हमारे राम मनोहर लोहिया, जिनके सिद्धांत पे आज भी हम लोग चल रहे हैं, जिनके कार्यक्रमों को योजनाओं को लेकर के लगातार पार्टी ने संघर्ष किया है, और आज भी मैं कहता हूं इस दिन जब हम शहीदों को याद कर रहे हैं, अगर देश का भविष्य कोई विचारधारा बना सकती है तो वो समाजवादी विचारधारा है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि गैर बराबरी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, वंचितों को हक दिलाने का पक्ष में और हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को हक देने का काम अगर कोई कर सकता है तो यही विचारधारा है, जो समाजवादी विचारधारा है। आज हमें मौका मिला है, सौभाग्य हमारा, और हम समाजवादियों का और सब लोगों का सौभाग्य इसलिए भी है कि हस्तिनापुर जैसी जगह हम लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। हमें तो कई बार ये बोला जाता है, हमें तो ये कई बार बताया जाता है कि हस्तिनापुर का इतिहास यही है कि जो जीतता है यहां पर उसी की सरकार बनती है दिन लखनऊ में जाकर के। और हस्तिनापुर से ज्यादा न्याय और अन्याय की लड़ाई किसी ने नहीं देखी होगी। यही हस्तिनापुर है जिसकी वजह से कितनी बड़ी महाभारत हो गई, कितनी बड़ी लड़ाई हो गई। और ऐसी महाभारत हुई कि आज भी हम लोग महाभारत को जानना चाहते हैं और गीता को पढ़ना चाहते भी हैं। आज भी दुनिया में गीता से बेहतर कोई हम दुनिया में किताब नहीं होगी जो किताब गीता की है। तो अगर हस्तिनापुर का ये परिचय है, अगर हस्तिनापुर का ये सौभाग्य है कि जो जीतता है वही सरकार बनाता है, तो हम तो कहेंगे अपने हस्तिनापुर के सभी बुजुर्गों से, नौजवानों से कि समाजवादियों को मौका दीजिए, समाजवादियों की मदद करिए इस बार। और मदद इसलिए करिए, वैसे तो अगर मंच पे आप देखोगे स्वामी जी से सुंदर मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। हमारे स्वामी जी को देख लो और मुख्यमंत्री जी को देख लो, बताओ सुंदर और अच्छा कौन है? कभी कभी हमारे मुख्यमंत्री जी भटक जाते हैं, वो लाल रंग में उलझ जाते हैं, वो कहते हैं लाल टोपी वाले न जाने क्या क्या कहते हैं कि लाल टोपी वाले ऐसे होते हैं। तो हमने उनसे कहा कि लाल टोपी हमारी क्रांति की निशानी है, हमारे खून की पहचान है लाल टोपी, हमारे आंदोलन की पहचान लाल टोपी है। और ये जो हमारे इमोशन होते हैं, खुशी दुख होना, जब हम खुश होते हैं तब भी हमारा चेहरा लाल हो जाता है और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे कान लाल हो जाते हैं, ये हमारे इमोशन का रंग है। और लाल रंग हमारी पहचान है, कोई आज से नहीं पहन रहे लाल रंग, किस जमाने से समाजवादी लोग लाल रंग पहन रहे हैं। और अगर यही बात है कि कौन कैसा लगता है, तो हम तो कहेंगे
कि जिसके बाल नहीं होते हैं उस पर लाल टोपी बहुत जमती है। हम तो बाल वाले लोग हैं, हम पे भी जमती है। और अगर तस्वीर रख दोगे सामने दो, एक लाल टोपी वाली और वो वाली जो लाल टोपी के बारे में कुछ कहते हैं, दोनों तस्वीर रख देना, आपको पता लग जाएगा कि गुंडा कौन है और समाजवादी कौन है। इसलिए साथियों, ये हस्तनापुर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर हस्तनापुर का ये इतिहास है कि जो जीतता है वही सरकार बनाता है, तो मैं भी हस्तनापुर और यहां के लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जिस तरीके से समाजवादियों ने काम किए हैं, अगर सबसे बड़ी योजना और विकास में आगे ले जाना पड़ा तो हस्तनापुर सबसे पहले विकास में आगे जाएगा। समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे महत्वपूर्ण बड़े फैसले होंगे। वहीं हम कॉलेज के लोगों को बधाई और धन्यवाद देंगे जिनकी वजह से हमें आने का मौका मिला है। नवजीवन डिग्री कॉलेज के हमारे जितने भी प्रबंधक लोग हैं, जो बुजुर्ग हमसे दिल्ली में भी मिले, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं इस डिग्री कॉलेज को और अच्छा बनाइए और नए नए कोर्स लाइए, क्योंकि समय बदल गया है। आज पढ़ाई की चीजें बदल गई हैं, नए नए कोर्सेज हैं, नए कोर्सों से नई नौकरियां हैं। पुराना वाला जमाना दूसरे तरीके का था, ये नया जमाना इंटरनेट का है, रफ्तार का है, इसलिए दूसरे तरह की पढ़ाई है। जहां किसी तरह का आपको सहयोग की जरूरत होगी तो समाजवादी पार्टी, चाहे मैं सरकार से भी मदद करनी पड़े, आपकी मदद आने वाले समय में करेंगे, जिससे ये संस्था और आगे बढ़ करके और बच्चों का भविष्य बेहतर करे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि जनता इंतजार कर रही है समाजवादियों का, और इसलिए याद कर रही है कि समाजवादियों ने काम किया है और ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिसकी आप जानकारी है आपको, ये सरकार नहीं कर पाई। जो काम समाजवादियों ने किए हैं वो काम ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। दिल्ली में सरकार, उत्तर प्रदेश में भी सरकार, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का ये स्तर आ गया है कि समाजवादियों की लगी हुई पटिया को हटा करके अपनी पटिया लगा रहे हैं। इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है। वही सरकार केवल नाम बदल रही सरकार। समाजवादियों ने सबसे अच्छी पुलिस को व्यवस्था दी थी, 100 नंबर सबसे अच्छी थी। गांव से फोन मिलाइए, आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। लेकिन सरकार ने नाम बदल दिया, 112 कर दिया, 100 का 112 कर दिया। गाड़ी वही है, पुलिस वही है। और याद रखना, जितने दुखी आप हो नौजवानों, जितने दुखी किसान भाई हैं, जितने दुखी हमारे असंख्यक भाई हैं, आपसे ज्यादा दुखी ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि इनका भी वेतन कट गया है। आप चुपचाप पूछ लो इनसे। इस वैश्विक महामारी में कोई नहीं बचा, इनका भी वेतन चला गया और हजारों रुपए में चला गया इनका भी नुकसान हुआ। ये भी इंतजार कर रहे हैं कब मौका मिलेगा, जब साइकिल की बटन दबाने का मौका इन्हें मिलेगा। क्योंकि ये जानते हैं पुलिस के लोग भी कि 100 नंबर से बेहतर पुलिस के लिए कोई काम नहीं हो सकता था। और प्रमोशन भी अगर किसी ने सबसे ज्यादा किए हैं तो समाजवादी लोगों ने किए हैं। प्रमोशन कर करके दिखा दिया है कि एक सिपाही भी कहां प्रमोशन पा करके पहुंच सकता है। ये समाजवादियों ने किया। इसलिए आज इस मौके पर जहां महंगाई बढ़ रही है, किसानों की हालत खराब है, दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, कोई इन्वेस्टमेंट करने आने नहीं चाहता, नौकरी रोजगार है नहीं, और ये हम लोगों को नफरत की राजनीति के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। आज के दिन जब हम सब एक साथ खड़े हैं, जब हमने सबने हमारे लोगों ने मिलकर के देश को आजादी दिलाई है, इस देश को आजादी दिलाने में सबका साथ रहा है,
हिंदू मुसलमान सिख सबने मिलकर के इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है। आजादी की जब लड़ाई लड़ी गई कोई जात पात नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, हिंदू मुसलमान सिख एक होकर के इस देश को आजादी दिलाने का काम किए। इसी देश के किसानों ने, इसी देश के नौजवानों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर कोई इस देश को पीछे ले जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये नफरत जात और धर्म की राजनीति में उलझा करके हमें और आपको एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए हम इस मौके पर जहां हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, समाजवादियों को याद कर रहे हैं और इतने लोगों से मिलने का मौका मिला है, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि अगर आप नहीं होते तो शायद इतना शानदार कार्यक्रम नहीं हो पाता, इतना बड़ा सम्मान शहीदों का नहीं हो पाता। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आने पर हम आपको बधाई देते हैं। एक बार कार्यक्रम कैंसिल हो गया, उसके बाद दोबारा हो गया, उसके बावजूद आप लोग आए हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस प्रबंधक समिति के लोगों का धन्यवाद और एक बार फिर अतुल प्रधान का और उनके सभी सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई। इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी की होने जा रही है तो समाजवादियों की होने जा रही है। आप लोग भी सब भेदभाव भुला करके, सब जाति धर्म के भेदभाव भुला करके, कौन क्या है, कौन कैसा है, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके आप मदद करना, और जब मदद करेंगे तभी आपका मजबूत प्रदेश और देश बनेगा। हम लोग समाज को देश को बनाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज को देश को बांटना चाहते हैं, इन लोगों से बचा लेना, यही अपील करने में आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अतुल प्रधान को कई बार हम लोगों ने लड़ाया, कितनी बार लड़ा दिया हम लोगों ने, और हमारे बहुत सारे साथी एक्स हो गए हैं, एक्स आप भी हो गए, अरे हमारे बहुत सारे साथी एक्स हो गए, पूर्व हो गए। इसलिए सभी से हमारी अपील है कि इनको तो बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन जितने पूर्व हो गए हैं उनको भी बना दोगे तभी सरकार बनेगी, वरना सरकार नहीं बनेगी। और याद दिला रहा हूं मैं आपको, बंगाल का चुनाव आप देख रहे हो कैसा हो रहा है, बंगाल का चुनाव आप देख रहे हो कैसा चुनाव चल रहा है। बीजेपी हर हथकंडा अपनाएगी, उनके पास विजन के नाम पर केबल टेलीविजन है, विजन के नाम पर केबल टेलीविजन है, कोई विजन नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को पीछे किया है, और उत्तर प्रदेश अगर खोएंगे तो देश की राजनीति में दिल्ली खो देंगे। इसलिए असली लड़ाई आपको लड़नी है, असली लड़ाई आपको लड़नी है, और असली मदद अगर कोई करेगा देश की तो आप करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे तो आप संविधान और देश बचा लेंगे, यही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं। इन सब की मदद करना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं शहीदों को याद करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।